ये मेरे साथ के कुछ मिल गए यहाँ पे राइडर्स और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। भाई साहब कल आते आते ऐसी हालत ख़राब हो गई, गया था मैं खच्चर से, आया था पैदल। भाई साहब पैदल आते आते 18 किलोमीटर पैदल, भाई साहब मेरे पैर तो अभी भी हिल रहे हैं, खैर अभी नहीं हिल रहे बट फिर भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर रात को तो मेरे से गोप्रो भी ऑन नहीं हुआ कि बता दूं कि भाई मैं पहुंच गया। चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव पूरा हो चुका है, अब चौथे पड़ाव की ओर ध्यानी जी बढ़ चुके हैं, किक्की बढ़ चुके हैं अब चौथे पड़ाव की ओर। भाई साहब जो बोलते हैं ना कि जिसने चार धाम यात्रा कर दी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई लगता है, हो जाएगी, मतलब अभी हुई नहीं है। भोलेनाथ भगवान बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद रहा। कहते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा होता है तभी आता है इंसान, नहीं तो उससे पहले चाहे कितना ही जोर लगा ले नहीं आ सकता। तो मुझे शायद बुलावा आया था, वो भी चारों भगवान से, यमुनोत्री मैया से भी, गंगोत्री मैया से भी, केदारनाथ भगवान जी से भी और बद्रीनाथ भगवान जी से भी। इट्स वेरी गुड, लगता भगवान मतलब थोड़ा सा खुश है मुझसे कि अपने दर्शन के लिए मुझे बुलाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। देखो व्यू, ये है अपना चोपता, ये यहीं से होगी ट्रैकिंग शुरू। ट्रैकिंग यहीं से शुरू होती है, देखो वाह क्या जगह है यार। हेलो भाई साहब, हम पहुंच गए चमोली, चमोली पहुंच गए। यहाँ थोड़ा सा टी ब्रेक खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपना आगे की ओर। देख रहे हो, वाह, जोशीमठ आगमन पे आपका हार्दिक स्वागत है। डागू वो ठहरा जोशीमठ। भाई साहब सुबह का बज रहा है, सुबह का हो रहा है 6:30 और यहाँ के हालात दिखाऊँ आपको। ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, ये मेरी बाइक, ये बाइक, ये देखो हालत देखो, स्नोफॉल, बाप रे -6 degree टेम्परेचर हो रहा है। देखो नज़ारे, देखो नज़ारे, बर्फ में जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने, हैं ये देखो नज़ारे, ये देखो ऊपर पूरी पहाड़ियाँ भर चुकी हैं बर्फ से, स्नोफॉल हो रहा है। हाँ देखो मज़ा आ रहा है भाई साहब, अभी नहाना भी है, हैं।
देख रहे हो स्नोफॉल, स्नोफॉल देख रहे हो। बाप रे पैर बिल्कुल जाम हो चुके हैं मेरे। हाँ इस पे रख दो, हालत हो रही है बहुत ख़राब भाई साहब। बाइक और स्किट। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। मेरी हो चुकी है पूरी यात्रा, चार धाम यात्रा। अब मैं जा रहा हूँ घर, होम स्वीट होम। मम्मी मैं आ रहा हूँ। तो भाई साहब बहुत हालत ख़राब हो गई वहाँ से आने में, बर्फीला तूफान मिला, गाड़ी दो बार नीचे गिरी, फिसली। भाई साहब किसी तरीके से नीचे आया, फिर रात को जोशीमठ रहा क्योंकि मैं भीग गया था। और भाई साहब फिर जोशीमठ से जैसे निकला तो वहाँ पे गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी। फिर चमोली आया, यहाँ पे थोड़ा लंच वंच किया मैंने, हाथ गर्म करे, तब अब जाके मैं निकल रहा हूँ सीधा ऋषिकेश के लिए। यिप्पी।